देख इसे, देख कितना उदास हो गया ये। लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता है, तू तो खुश है ना अपने पहले पति की दी हुई साड़ी पहनकर। मैं, ये साड़ी मुझे मेरे बेटे ने दी है, मेरे एक्स हस्बैंड ने नहीं। भले तेरा बेटा तुझे ये साड़ी थमा गया हो, लेकिन दी तो तेरे पहले पति ने ही है ना। मुझे घुमा रही है ये। और एक बात बता सही, वट सावित्री के दिन कौन सा बेटा अपनी आई को साड़ी देता है, बोलना। आई रहने दे, कोई बात नहीं, अगर उसने बेटे की दी हुई साड़ी पहन ली तो क्या हो गया, वो पूजा तो मेरे नाम की करेगी ना। तू खामखा में अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ा। अरे लेकिन सर। अरे आई मैं बोल रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, चल वैसे भी पूजा का समय हो गया, पूजा के लिए चलते। अम्मा जी पूजा की तैयारी हो चुकी है, आइए सब लोग चलते हैं। जी बस आते हैं, चलिए चल चल गौरी। सुबह के 4 बज गए हैं, बहुत अच्छा मुहूर्त है। सब लोग पूजा शुरू करने से पहले सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो और अपने अपने पति का ध्यान करो। पूजा खत्म हो जाए तो मैं सई को मेरे दिल की बात बता दूंगा। अरे तेरी नई नई शादी हुई है, नई नवेली दुल्हन को खाना लेना पड़ता है, सबसे पहले तू अपने पति के लिए खाना सुना। हाँ हाँ प्रतिभा वहीनी बिल्कुल सही कह रही है। नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है, रहने दीजिए। अरे ऐसे कैसे रहने दे, खाना तो सुनाना ही पड़ेगा वरना पूजा पूरी कैसे होगी। अरे सही बेटा वो खाना सुना देना। कहती हूँ वट सावित्री चव्रत निश्चय ने करते, वट सावित्री चव्रत निश्चय ने करते, विराट रावण साठी दीर्घायुष मागते। सत्या रावण साठी दीर्घायुष मागते। अरे इसने तो अपने पति का नाम ही गलत ले लिया, ऐसी गलती कोई कैसे कर सकता है। क्या हंस क्यों रहे हो तुम? तो क्या करूं, तेरी तरह मन ही मन में रोऊं मैं? तेरी हालत देख के तो कोई भी हंसेगा तुझ पर। देखा नहीं था तूने पूजा में ऐसी सारी औरतें मुंह छुपा छुपा कैसे रही थी, कैसे सही ने तेरी जगह विराट का नाम ले लिया। इसे कहते हैं ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और तू सही को अपने दिल का हाल बयां करने चला था, इस नाम के रिश्ते को हकीकत में बदलने चला था। तुझे नजर नहीं आया सही ने कैसे जाने अनजाने में अपने दिल का हाल बयां कर दिया था? आज भी उसके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ विराट का नाम है। वो तो मुझे पहले ही पता था, इसे विराट से प्यार करती है। वाह, उसके बावजूद भी तूने सही से प्यार किया? यार सोच समझ के थोड़ी ना किया जाता है, वो तो बस हो जाता है। हाँ वो तो जाता है, लेकिन तकलीफ ये है मेरे दोस्त, प्यार सिर्फ किसी एक को होता है और दूसरे को खबर तक नहीं होती।
और तूने तो अपनी शादी से पहले इस रिश्ते की हर उम्मीद का गला घोट दिया। तूने कहा था ना ये सिर्फ नाम भर का रिश्ता, तो नाम भर के रिश्ते का तो यही अंजाम होता। नहीं, मेरे रिश्ते का ये अंजाम नहीं हो सकता। मैं दोबारा अपने प्यार को नहीं खो सकता। और अगर तूने सही से अपने दिल की बात कह दी तो तू अपने प्यार के साथ साथ एक दोस्त भी खो देगा। तो क्या करूं मैं? चुप रहूं? तो चल रस को वैसे चलने दूं? सही को नहीं बताऊं कि मैं उससे प्यार करता हूं? नहीं, जरूर बता कि तू उससे प्यार करता है, लेकिन अभी नहीं। पहले सही के मन में अपने लिए जगह बना, उसके मन में अपने लिए प्यार जगा, फिर तू अपने दिल की बात उससे कर। वरना कहीं ऐसा ना हो कि तू जोश जोश में अपने दिल का हाल बयां कर दे और सही तुझे छोड़कर चली जाए। कि मैंने तो पहले ही कहा था ये शादी तो सिर्फ नाम भर की है, ये रिश्ता तो सिर्फ नाम भर का। देखा, आज फिर से यहां ना होते हुए भी सही का पहला पति मेरे बेटे की खुशियों के आड़े आ गया। सही और सत्या की शादीशुदा जिंदगी शुरू ही नहीं हो पा रही है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सही और सत्या के बीच से सही के अतीत को किस तरह निकाला जाए। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब सही और सत्या की लव मैरिज है फिर भी सही बार बार पलट कर अपने अतीत की तरफ क्यों देखती रहती है। क्योंकि आज भी दोनों वीनू और सवी नाम के डोरियों से बंधे हुए हैं। और तुझे पता है मधुरा, औरत अपने पुराने प्यार को भूल सकती है, अपने पति को भूल सकती है, लेकिन अपने बच्चों के बाप से मुंह मोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और सई की भी यही मुश्किल है, उसका भी दिल कश्मकश में है। उसके दिल की कश्मकश मेरे बेटे को परेशान कर रही है। अगर सई अपनी डोरियों को पूरी तरह से तोड़ नहीं पा रही है तो हमें कुछ करना पड़ेगा उन डोरियों को तोड़ने के लिए। मुझे एक तरकीब सूझिए। कैसी तरकीब बहनी, बताइए ना। क्यों ना हम सही और सत्या को कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर भेज दें? मतलब, और कहाँ भेजेंगे और बोलेंगे क्या उन्हें? बोलना क्या है, नई नई शादी हुई है, हनीमून पे ही भेज देते। आपने भी तुम्हें लिए उपवास रखा है, तो मुझे भी आपका उपवास छुड़वाना चाहिए मेरे प्यारे पति परमेश्वर। पति परमेश्वर? अच्छा, वैसे आज एक बात समझ गया मैं, सिर्फ मर्दों के दिल का रास्ता पेट से होकर नहीं जाता, औरतों का भी जाता है। समझ गया। What? I'm not Aurat. I'm Kamsan Kali. Oh, Kamsan Kali. कभी आओ हमारे दिल की गली। अरे आपके दिल की गली क्या? आपके दिल के मोहल्ले पे मेरी हुकूमत, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और तुम्हारे दिल के मोहल्ले पे? पता नहीं। पता नहीं का क्या मतलब होता? ये अब देख, मेरे दिल के मोहल्ले की रजिस्ट्री तो मैंने आपके नाम बहुत पहले करा दी थी, है ना? ओ हाँ। तो अब मेरे दिल के मोहल्ले में, मतलब आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है वो तो आपकी टेंशन है ना, मेरी नहीं। स्मार्ट हा? वेरी स्मार्ट। अच्छा सही, आज हम एक दूसरे से एक वादा करते हैं। कैसा वादा? हर साल वट सावित्री का जो व्रत होता है उसे खोलने के लिए हम इसी रेस्टोरेंट में आएंगे, सिर्फ तुम और मैं, हम दोनों, ओनली सेराट। वादा रहा, ये हमारा वट सावित्री स्पेशल रिचुअल होगा।
चलो सही, उपवास तोड़ने का वक्त हो गया। मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, रेस्टोरेंट में टेबल भी बुक कर लिए, तुम बस चलो। मुझे भी पता कि तुम्हारे पेट में इस वक्त चूहे कबड्डी खेल रहे होंगे। सत्या, I'm sorry, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। ऐसा ही, it's okay. तुम इंसान हो, भगवान थोड़ी ना हो, और गलती तो इंसानों से ही होती है। हाँ माना कि कभी कभी तुम उस समय काली माँ का साक्षात रूप रखती हो, लेकिन कभी कभी, और ज्यादा सोचने की बात नहीं है, गलती सबसे होती है। वैसे भी सबकी बुरी आदत छूटने में थोड़ा वक्त लगता है, तुम्हारी भी छूट देगी। आज तुम्हें इतना यम्मी यम्मी खाना खिलाऊंगा ना कि अब से तुम्हारी जबान से बस मेरा ही नाम निकलेगा। चलो चले, चलो चलो चलो। थाम, थाम ना जरा। सही, इस घर की बहू के रूप में ये तुम्हारा पहला वट सावित्री का उपवास था। अब उपवास खोलने के लिए ये तो तुम्हें बाहर लेके जा रहा है, तो हम सब ने सोचा कि क्यों ना अभी शगुन दिया जाए। ये लो, लो ना। ये क्या है? अरे सही, पहले लिफाफा खोल के तो देख। फ्लाइट टिकट्स? क्यों? क्यों मतलब? क्योंकि तुम दोनों गोवा जा रहे हो, इसलिए। गोवा? क्यों? गोवा में किसी का रिश्तेदार बीमार है, तो उसका इलाज करने हम नागपुर से गोवा जाएं? पहले तो अपने दिमाग का इलाज करा स्टूपिड। शादी हुई है तुम दोनों की, हनीमून पे जा रहे हो, और क्यों? लेकिन इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, तुम दोनों को एक दूसरे के साथ अकेले वक्त बिताना बेहद जरूरी है। यहाँ रहोगे ना तो चौहान खानदान से फुर्सत ही नहीं मिलेगी। तो मैंने मैंने क्या, हम सब ने सोचा कि तुम दोनों को कुछ दिनों के लिए नागपुर से बाहर जाना चाहिए। अरे सही, इसमें इतनी ऑकवर्ड होने की क्या बात है? तुम दोनों की लव मैरिज हुई है ना, तो एक दूसरे के साथ वक्त बिताना भी जरूरी है ना। लेकिन सभी सभी की तू चिंता मत कर। हाँ, हम सब लोग मिलके सभी को संभाल लेंगे, और वैसे भी 3-4 दिन की तो बात है। लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना है। ऑफ कोर्स जरूर जाएंगे, बस अब आप लोगों की अनुमति हो तो हम ऐसे प्रस्थान कर सकते हैं। मैंने भी सही की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, मुझे भी बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ जाओ, और सत्य मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि जल्दी घर आना है ना, लेकिन आज अगर घर जल्दी नहीं आए ना तुम दोनों तो भी चलेगा। जो हुकुम मेरी आई का, अब चले। क्या था सत्या? इंजन की आवाज थी, और क्या था? मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, अंदर जो हुआ वो क्या था? मतलब हनीमून? सीरियसली, हम कोई असली कपल है जो अब हनीमून पे जाएंगे? और उन्होंने कहा सो कहा, तुमने हामी क्यों भरी? और सत्या, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे सही नहीं लग रहा। मेरा ना दम घुट रहा है। दम घुट रहा? लेकिन कैसे? कैसे मतलब? मतलब ये सही कि जब से तुम आई हो सब कुछ तुम्हारी सहूलियत के हिसाब से तो हो रहा है ना, और तुम भूल गई कि हमारी क्या डील हुई थी, कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा लेकिन बदले में तुम मेरी फैमिली का ख्याल रखोगे, और मैंने तो अपना पार्ट बखूबी निभाया। तो फिर तुम किस बात से अपसेट हो, किस बात से दम घुट रहा? और आज की बात ही ले लो, तुमने वीनू की दी हुई साड़ी पहनी, पूजा के वक्त तुमने मेरा नहीं विराट का नाम लिया, मैंने कुछ कहा नहीं ना? तुम्हें बुरा लगा उस बात का? मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन आई को तो बुरा लगा ना, और मेरे आई को बुरा लगता तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं हनीमून के लिए भी राजी हो गया। बस इसको एक वेकेशन की तरह ही समझो, हॉलीडे इन गोवा। तुम शब्दों के जाल में मत फंसो सही, सच का ये हम दोनों ही जानते हैं ना,
और अगर इस सच को हम चिल्ला के ना बताएं, सबके सामने जाहिर ना करें, तो मेरा परिवार खुश रहेगा। इसीलिए तो हमने शादी की थी ना। खैर छोड़ो ये सब, बहुत भूख लग रही है। मुझे पता कि तुम्हें भी बहुत भूख लग रही है। मैंने बहुत अच्छे सरप्राइज अरेंज किए तुम्हारे लिए। अब चले। लो आ गए, चलो चलते हैं। क्या हुआ सही, चलो ना। नहीं सत्या, मैं यहाँ नहीं जा सकती, कहीं और चलती। क्या प्रॉब्लम क्या सिस्टम में, इतना अच्छा तो है। क्या कभी बिना बिल चुका है भागी थी क्या यहाँ से? अरे यार सही, इतना अच्छा खाना है उनका। चलो ना प्लीज चलते हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आज के दिन तुम्हारे साथ यहाँ नहीं जा सकती। लेकिन हुआ क्या सही, एक बार अंदर चल के अरेंजमेंट्स तो देख लो, इनका मेन्यू बहुत ही अच्छा है। प्लीज यार, एक भूखे डॉक्टर का आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें, और तुम्हें भी तो कितनी भूख लग रही है ना। चलो प्लीज लेट्स गो। प्लीज कम सर, ये आपका रिजर्व किया हुआ टेबल। थैंक यू। प्लीज हैव अ सीट। मैं थैंक यू सर। क्या हुआ सही, तुम अभी तक उस हनीमून वाली बात को लेकर परेशान हो? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि हम वेकेशन पे जा रहे हैं? जस्ट थिंक कि हम किसी ऑफिस ट्रिप के लिए जा रहे हैं। तुम अपना काम करती रहना, मैं अपना काम करता रहूंगा। चलो कुछ ऑर्डर कर ले, लेट्स ऑर्डर समथिंग। एक्सक्यूज मी। हेलो सर। हेलो मैम। आपके मेन्यू में स्पेशल क्या है? सर आज वट सावित्री है, इसलिए हमने अपने मेन्यू में स्पेशल कपल थाली रखा है। एक्सीलेंट। तो ऑर्डर करें थाली। ठीक है, एक कपल थाली कर दीजिए। ओके सर। सर आज हमने अपने यहाँ स्पेशल अरेंजमेंट्स की, जैसे ही आप रेडी होंगे मैम को पहला निवाला खिलाएंगे, हमारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर आपका फोटो लेंगे और आपको बिल के साथ आपका फोटो दे देंगे। नहीं हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई फोटो नहीं खिंचवानी। सुबह से थोड़ी भूखी है ना, इसलिए थोड़ी चिड़चिड़ी हुई है। सही देखो मैं भी तो भूखा हूँ, मैंने भी व्रत रखा, मैं कुछ चिड़चिड़ा हो रहा हूँ एकदम कूल। सॉरी सॉरी, लेकिन सही एक फोटो तो खिंचवा ही सकते हैं यार, यही पल आगे जाके यादें बन जाएंगे। मैं तुम्हें एक निवाला खिलाऊंगा, तुम मुझे एक निवाला खिलाना। अब क्या एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को खाना भी नहीं खिला सकता यार। लेकिन क्या जरूरत है, एक बात बताओ तुमने मेरे उपवास क्यों रखा? ये कमाल है, तुम मेरे लिए उपवास रख सकती हो, मैं तुम्हारे लिए उपवास नहीं रख सकता। आप एक काम कीजिए, आप अपने फोटोग्राफर को बुला लीजिए, हम लोग रेडी हैं। ओके सर। हेलो हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही। हेलो यार, यहाँ नेटवर्क का इशू है। सही मुझे लगता है हॉस्पिटल से कोई अर्जेंट कॉल लाऊं, जरा बाहर जाके बात करता हूँ। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।